गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग जो फर्स्ट डे है हमारा डायरेक्ट टैक्स लॉज एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन ये स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे पहले विल बी डिस्कसिंग अबाउट द सब्जेक्ट। तो जो पेपर 7 है ये डायरेक्ट टैक्स लॉज और इंटरनेशनल टैक्सेशन का, मतलब ग्रुप 2 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर है ये आपका, ठीक है। और यहाँ पे जो डायरेक्ट टैक्स है डीटी का जो पोर्शन है वो 70 मार्क्स का है, और जो इंटरनेशनल टैक्सेशन जो आ रहा है आपके इंटरनेशनल टैक्सेशन ये 30 मार्क्स का है, ठीक है। 70 मार्क्स का तो आपके क्या आ रहा है डायरेक्ट टैक्सेस। अब बेसिकली इंटरमीडिएट लेवल पे आप लोगों ने इनकम टैक्स पढ़ा हुआ है और उसमें 5 हेड्स ऑफ इनकम पढ़े हुए हैं, और वहाँ पे कंप्यूटेशन कैसे करते हैं अपन टोटल इनकम की इंडिविजुअल तक अपन ने पढ़ा हुआ है, पर वो वर्किंग नॉलेज थी। अब यहाँ पे जो आपको रिक्वायर्ड है इस सब्जेक्ट में वो एक्सपर्ट नॉलेज है, तो वो तो काम आएगी ही आएगी, दैट विल बी दैट इज़ व्हाट योर फाउंडेशन बेस था वो, तो उसका फर्दर जो आप रिफाइनमेंट है वो फाइनल लेवल पे आता है। तो अब यहाँ पे ये सब्जेक्ट काफ़ी लेंदी है, बेसिकली ये सबसे बड़ा सब्जेक्ट है आईडीटी की कंपैरिजन में, बहुत लेंदी है इन कंपैरिजन टू इनडायरेक्ट टैक्स लॉस। अब रेगुलर कोर्स में आपको क्या है इसकी स्टडी करनी पड़ेगी, तभी क्या है हम लोग एग्जेम्पशन मार्क्स क्या है इसमें ला सकते हैं। शॉर्टकट्स यहाँ आप नहीं से कर सकते कि भाई मैं इस तरह से शॉर्टकट कर लूँ, हाँ आपकी हालांकि क्या है कुछ ऐसा पैटर्न रहता है एग्जाम में जो अपन डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट को लेके। तो 100 मार्क्स का ये पेपर है। अब इसमें भी जो अपने एमसीक्यू पोर्शन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यहाँ था ना केस सिनेरियोस एंड इंडिपेंडेंट एमसीक्यूस, इंटर लेवल में पढ़ा था आपने, वैसे यहाँ भी केस सिनेरियो एंड इंडिपेंडेंट एमसीक्यूस 30 मार्क्स के आएंगे, 30 मार्क्स का वो है। उसके अलावा जो आपका सब्जेक्टिव पेपर है, सब्जेक्टिव जो पेपर है वो 70 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव पेपर है। तो पेपर पैटर्न तो अभी आगे अपन डिस्कस करेंगे, पहले अपन क्या है बेसिक कोर्स कंटेंट देखते हैं डायरेक्ट टैक्स लॉज और इंटरनेशनल टैक्सेशन का। तो जहाँ पे अब कोर्स कंटेंट की बात आती है, देखिए डायरेक्ट टैक्स लॉज एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन, डायरेक्ट टैक्स लॉज क्या है आपके 100 मार्क्स का ये पेपर है इंटरनेशनल टैक्सेशन समेत, जिसमें डीटी के 70 मार्क्स हैं, डायरेक्ट टैक्सेस के क्या हो गए 70 मार्क्स हैं डायरेक्ट टैक्सेस के। अब ये बेसिकली इन्होंने इनिशियली जब सब्जेक्ट वाइज वेटेज इंट्रोड्यूस करा था तो अब यहाँ पे बोला कि अपने जो जीटीआई तक की बात करते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम की बात करते हैं अपन, एक तो जीटीआई तक की और एक क्या है असेसमेंट की बात करते हैं, असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज, ठीक है। तो एक या 35 से लेके 45% तक का जो वेटेज है वो इन में से आ रहा है, यानी आपका जो बेसिस ऑफ चार्ज हो गया, रेजिडेंशियल स्टेटस की डिटर्मिनेशन हो गई, एग्जेम्प्ट इनकम हो गई, जो 5 अपने हेड्स ऑफ इनकम हो गए, क्लबिंग के प्रोविजंस हो गए, ठीक है, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस की बात कर ली, डिडक्शंस फ्रॉम जीटीआई की बात कर ली, रिबेट्स एंड रिलीफ्स और स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू कंपनी एंड सर्टेन पर्संस अदर देन कंपनी। तो अब यहाँ पे सब चीज़ आ गई, कंपनी की मैट की लायबिलिटी आ गई, अदर एंटिटीज़ की एएमटी की लायबिलिटी आ गई, और जो असेसमेंट हो गया किसका, फर्म्स का, एलएलपीज का, मतलब आधा परसेंट तो वही हो गया ना, 50% के आसपास पहुँच गया ये, एलएलपी का हो गया, ट्रस्ट का हो गया, एओपी का हो गया, बीओआई का हो गया, ये सब चीज़ आ गई इसके अंदर। तो एक तो देखिए कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन 14 मार्क्स का आता ही आता है, 14 मार्क्स का जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आता है वो टोटल इनकम का आता है, चाहे वो कंपनी की टोटल इनकम कंप्यूट करो, चाहे वो फर्म की टोटल इनकम कंप्यूट करो, चाहे वो एलएलपी की करो, वो तो आएगा ही आएगा एक। और एक क्या है ट्रस्ट का जो असेसमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ट्रस्ट का जो असेसमेंट है वो एग्जाम के अंदर आता ही आता है, असेसमेंट ऑफ ट्रस्ट इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और बहुत अमेंडमेंट्स भी इसमें क्या है रेगुलर कोर्स के अंदर क्या है कैरी आउट किए जाते हैं।
तो ये जो आ रहा है ना, ये प्रोविजंस रिलेटिंग टू चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट्स, ये इधर इधर से भी आ रहा है। देखिए यहाँ एक तो कंप्यूटेशन आई गई आपको इनकम, टोटल इनकम निकालने की, यानी प्रोविजन रिलेटिंग टू चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट एंड इंस्टीट्यूशन, ये 11, 12, 12 AB, ये सब चीज़ें 13, ये सब इधर आ रहा है, पॉलिटिकल पार्टी 13A या इलेक्टोरल ट्रस्ट 13B। तो ये एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन ही आप बनाते हैं। फिर ये तो देखिए टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन, ये तो थ्योरेटिकल पार्ट हो गया। और आपको टैक्स प्लानिंग कब कर पाओगे आप, जब आपकी क्या है पूरी सब्जेक्ट की नॉलेज हो, ठीक है, कि मुझे कहाँ इन्वेस्टमेंट्स करना है, ATC का बेनिफिट लेना है, या किस तरह से अपने को विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ सही से काम करना है, तो ये है। फिर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है यहाँ पे, TDS। TDS एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, TDS और TCS इंटर लेवल पे भी आपने इसको पढ़ा हुआ है, TDS एंड TCS वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो TDS और TCS इसमें से एक क्वेश्चन बनता है। अब 15-20% की वेटेज, यानी 10-14 नंबर की क्या है वेटेज, क्या है TDS और TCS से रिलेटेड है। फिर आता है हमारे पास इनकम टैक्स अथॉरिटीज। अब प्रोसीजर फॉर असेसमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोसीजर फॉर असेसमेंट, अपील्स एंड रिविजन, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, प्रोसीजर फॉर असेसमेंट एंड अपील्स एंड रिविजन इनकम टैक्स अथॉरिटीज। ये बेसिकली 116 से लेके जो प्रोसीजरल कंप्लायंसेस चल रही हैं आपकी, 116 से इनकम टैक्स अथॉरिटीज आपकी चालू हो जाती है, ठीक है, 116 से लेके जो 156 तक, ये तो क्या है प्रोसीजर फॉर असेसमेंट और इनकम टैक्स अथॉरिटीज की बात कर रहे हैं। उसके अलावा आपके क्या है अपीलेट प्रोविजन आर देयर, ठीक है, तो आपके जो आपके 246 से आपके प्रोविजंस चालू हो रहे हैं अपील्स एंड रिविजन के, जो आपके 265 तक के जा रहे हैं, 263 264 रिविजन की प्रोसीडिंग्स है, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब सेटलमेंट ऑफ केसेस तो रहा नहीं, सेटलमेंट ऑफ केसेस की जगह क्या आ गया है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन आ गया, इसकी जगह क्या आ गया एक नया फोरम आ गया डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। तो सेटलमेंट ऑफ केसेस रहा नहीं है, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है, पेनल्टीज है, ऑफेंसेज एंड प्रोसिक्यूशन है। तो पेनल्टीज पे भी एग्जाम के अंदर MCQs में काफ़ी क्वेश्चन आता है, 270A पेनल्टी फॉर अंडर रिपोर्टिंग और मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फिर लायबिलिटी इन स्पेशल केसेस, जैसे आपके रिप्रेजेंटेटिव असेसीज हो गए, एग्जीक्यूटर्स हो गए, इसके बारे में क्या है पूछा जाता है, एंड मिसलेनियस एंड अदर प्रोविजंस आर देयर। तो ये तो डायरेक्ट टैक्स लॉज का पार्ट हो गया, डायरेक्ट टैक्स लॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। 70 नंबर का DT का पोर्शन है इसके अंदर, ठीक है, 70 नंबर DT का, जिसके अंदर आपके इंपॉर्टेंट क्या हो गया, एक तो असेसमेंट जो ऑफ वेरियस एंटिटीज इंक्लूडिंग कंपनीज, वो एक इंपॉर्टेंट हो गया, उसके अलावा असेसमेंट ऑफ ट्रस्ट इंपॉर्टेंट हो गया, TDS और TCS हो गया, प्रोसीजर फॉर असेसमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, अपील्स एंड रिविजन से रिलेटेड क्या है आपके क्वेश्चन आते हैं। तो चैरिटेबल ट्रस्ट का इंपॉर्टेंट है ही है, जो एग्जाम के अंदर आता ही आता है। तो ये जो टोटल इनकम की जब हम बात करते हैं ना, मोटा मोटा सारा PGBP से रिलेटेड प्रोविजंस आते हैं। तो PGBP प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं सेकेंड, तो 30 नंबर का जो हमारा ये इंटरनेशनल टैक्सेशन का पोर्शन है, इंटरनेशनल टैक्सेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या है आपके, एक तो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स हैं, डबल टैक्सेशन रिलीफ्स, इस पर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं, एक है ट्रांसफ़र प्राइसिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांसफ़र प्राइसिंग, और एक आता है अपने पास नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन, नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन। ये तीन टॉपिक्स तो क्या हैं एवरग्रीन है, उसके अलावा एक है इक्वलाइजेशन लेवी, और एक आ रहा है आपके क्या एडवांस रूलिंग्स। तो देखिए यहाँ पे NR टैक्सेशन, देखो 75-85% वेटेज 30 मार्क्स की, तो 30% पोर्शन में इसकी आ गई, स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू NR डायरेक्ट टैक्सेशन, सॉरी डबल टैक्सेशन रिलीफ, ट्रांसफर प्राइसिंग एंड अदर एंटी अवॉइडेंस प्रोविजंस, ठीक है, ट्रांसफर प्राइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एडवांस रूलिंग्स एंड इक्वलाइजेशन लेवी, मतलब यही कर लो आप, यही कर लो मोटा मोटी, तो आपका ये पोर्शन हो जाएगा। क्योंकि ये जो चीज़ है ना सारी, ये एक्चुअली में थ्योरेटिकल है, ये थ्योरेटिकल है, यानी आपके मान लीजिए मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 मार्क्स का या थ्योरेटिकल पोर्शन इसके अंदर आएगा, दैट इज़ ओवरव्यू ऑफ मॉडल टैक्स कन्वेंशन। तो इसको जिस जो आपके इंटरनेशनल टैक्सेशन ही कोर सब्जेक्ट ले रहा है, मतलब जो इलेक्टिव है
उनको तो ये करना ही करना है, एप्लीकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्स ट्रीटीज फंडामेंटल्स ऑफ बीईपीएस। तो इसमें तो आपको क्या है, जो थ्योरेटिकल है तो जो पास के एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के अंदर जो क्वेश्चन दे रखे हैं, वो सब चीज़ें अपन ने ऑलरेडी क्या है कंपाइल कर रखी है। तो अब जहाँ तक बुक्स की बात है, अपन इस पर पहले पढ़ते हैं क्या कौन कौन सी अपने को क्या है बुक्स इसके अंदर अपन रेफर करेंगे। एक तो अपनी क्या हो गई, कॉम्प्रिहेंसिव बुक हो गई, वो अमेंडेड रहती है बाय द रेलेवेंट फाइनेंस एक्ट। कॉम्प्रिहेंसिव बुक के अंदर नए क्वेश्चंस भी आते हैं। एक हो गया अपना कंपाइलर, इसके बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। कंपाइलर के अंदर अपने क्या है, एक तो होती है समरी, तो ये समरी तब काम करती है जब आप क्या है कॉम्प्रिहेंसिव बुक क्या है पढ़ते हो। एक आ गई समरी, समरी का कवर्ड है, और उसके अलावा अपने क्या है पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस, उसके अलावा हमारे क्या है पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस। तो बेसिकली हमको एक तो क्या है और किन क्या क्या रिसोर्स मटेरियल अपने को लेना है, तो लेना ही लेना है। उसके अलावा जो ICAI के एक इंडिपेंडेंट MCQs और क्या केस सिनेरियोस है, ये एक बुकलेट इन्होंने निकाली भी है। तो सब्जेक्ट जैसे जैसे आगे बढ़ता जाए वैसे वैसे इसको कंप्लीट करना है, और इनके एक एक क्वेश्चन का डिटेल्ड वीडियो लेक्चर के अंदर अपना डिस्कशन है। जितने भी इंडिपेंडेंट MCQs हैं, जितने भी केस सिनेरियो बेस्ड MCQs हैं, आप जब पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाए तब करेंगे इसको, क्योंकि वो कॉम्प्रिहेंसिव बन रहे हैं। तो आपके ये चीज़ अपन ने वीडियो लेक्चर्स के अंदर दे रखी है, और डिटेल्ड इसका क्या है आंसर कैसे निकला है, वो इन वीडियो लेक्चर्स के अंदर अपन ने ऑलरेडी क्या है कवर कर रखा है। तो एक तो ये बात हो गई, ठीक है, तो ये आपको अच्छे से करना है। उसके अलावा जो अमेंडमेंट्स हैं, जो अमेंडमेंट्स आते हैं, एक तो जो रेलेवेंट फाइनेंस एक्ट होती है, रेलेवेंट फाइनेंस एक्ट है, उससे जो अमेंडमेंट्स हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। उसके अलावा अगर सपोज़ कीजिए आपका नवंबर में एग्ज़ाम है, तो जो भी नोटिफिकेशंस हैं, सर्कुलर्स हैं, ये आपके 30 अप्रैल तक के जो भी नोटिफिकेशंस, सर्कुलर्स वगैरह आ गए हैं, चेंजेस आए हैं, वो क्या है नवंबर के अंदर आते हैं, नवंबर के लिए आते हैं। उसके अलावा अगर आपका मई में एग्ज़ाम है, तो 31 अक्टूबर तक कट ऑफ डेट होती है, 31 अक्टूबर तक के जो भी नोटिफिकेशंस हैं, सर्कुलर्स हैं, वो आएंगे। तो एक तो रेलेवेंट फाइनेंस एक्ट की आपको पूरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ये आपके जो नोटिफिकेशंस हैं, अमेंडमेंट्स हैं, उसकी आपको क्या है पूरी क्या है अंडरस्टैंडिंग इन डेप्थ होनी चाहिए। और एक है जो इंस्टीट्यूट पब्लिश करता है केस लॉज जो है, जो पास्ट सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की जो रूलिंग्स हैं, वो आपके सब्जेक्ट जो भी आपके एग्ज़ाम होता है उसके हिसाब से वो पब्लिश करते हैं। तो उसकी आपको क्या है प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एक आप इंस्टीट्यूट के जो मॉक टेस्ट पेपर्स हैं, और एक रिविजनरी टेस्ट पेपर्स हैं, जो भी रेलेवेंट एग्ज़ाम के हैं और पास्ट अटेम्प्ट्स के हैं, उनको क्या है अच्छे से करके जाना है। सजेस्टेड आंसर्स वगैरह सब इसके अंदर क्या है अपने कंपाइलर के अंदर ऑलरेडी कवर्ड है, अमेंडेड है, ये नहीं है पुराने देख रहे हैं, लॉ अमेंड होती है इसमें तो लगातार। तो अमेंडेड क्या है, आपको नई बुक ही रेफर करनी है, ध्यान रखिएगा, पुरानी बुक से यहाँ काम नहीं कर सकते आप। तो ये तो अभी क्या है इस सब्जेक्ट की बेसिक क्या है अपने को इंट्रोडक्शन वाली बात अपन कर रहे हैं, ठीक है। एक पेपर भी देख लेते हैं अपन किस तरह का पेपर आता है। अब पेपर की बात करें अपन, तो पेपर 7 जो है, जैसे इस तरह का पेपर आता है पेपर 7, डायरेक्ट टैक्स लॉज एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन। अब इसके अंदर देखिए पार्ट 1 तो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का, MCQs का पार्ट 1 है, जिसमें आपके केस सिनेरियो बेस्ड MCQs आते हैं, जैसे मैंने बताया केस सिनेरियो बेस्ड, और कुछ आते हैं आपके क्या इंडिपेंडेंट MCQs। ये इंडिपेंडेंट MCQs आ गए, ठीक है। और पार्ट 2 आपका क्या डिस्क्रिप्टिव होता है। अब जैसे ये पेपर आया आपके दिसंबर 21 एग्जाम में, तो अब देखिए पहला क्वेश्चन जैसे अपन ने बताया 14 नंबर का क्वेश्चन नंबर 1, तो जिसमें जैसे अपन माने क्वेश्चन नंबर 1 इसमें क्या होता है एक तरह से कंपलसरी हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी हो गया ये आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके क्या आ रहा है कंपलसरी आ रहा है।
देखिए लिख रहे हैं, पार्ट टू डिस्क्रिप्टिव वाली क्वेश्चंस है। अब पार्ट टू की जब हम बात करें, पार्ट ये क्वेश्चन पेपर कंप्राइजेज ऑफ सिक्स क्वेश्चंस। आंसर क्वेश्चन नंबर वन विच इज़ कंपलसरी, एक तो कंपलसरी है ही, और चार आपको और करने हैं आउट ऑफ से फाइव क्वेश्चंस। तो 14 नंबर का तो एक आ गया 14 मार्क्स का, तो ठीक है ये तो कंपलसरी हो ही गया। और अपने बाकी के भी 14 नंबर के आ गए चार क्वेश्चंस, ये हो गए 56 मार्क्स। तो ये आ गया एक तरह से 70 मार्क्स का ये हिसाब हो गया। तो आपका पहला क्वेश्चन तो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आएगा। नॉर्मली ये डील करता है किससे, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी, एंड टैक्स लायबिलिटी, ये कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम और टैक्स लायबिलिटी से डील कर रहा है, ठीक है। अब ये आपके 14 नंबर का आ गया। फिर आता है अपने पास क्या, ये भी 14 मार्क्स के ही होंगे सेकंड, जैसे अब इसमें ब्रेकअप हो गया, ये आपके लॉसेस सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड से लिखे 72 ए के क्वेश्चन आ गया, ठीक है। कुछ क्वेश्चन इसमें रिपीट भी रहते हैं, जैसे ये रिपीट वाला क्वेश्चन था। उसके अलावा जैसे कैपिटल गेंस का आ गया, मतलब पूरा सब्जेक्ट को कवर करते हुए चलते हैं, कैपिटल गेंस का क्वेश्चन आ गया। फिर आया हमारे पास देखिए ये आपके इंटरनेशनल टैक्सेशन के अंदर से ट्रांसफ़र प्राइसिंग का प्रोविज, ट्रांसफ़र प्राइसिंग रिलेटेड क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये आ गया देखो 6 और 4 10 और 4 14 मार्क्स का, ये क्वेश्चन नंबर 2 पूरा हो गया। प्रैक्टिकली प्रैक्टिकल हैं, एक लास्ट में थ्योरेटिकल आता है तो आता है। फिर आपके देखिए मैंने कहा था ये 8 नंबर का, ये असेसमेंट ऑफ ट्रस्ट से आ गया, असेसमेंट ऑफ ट्रस्ट एक क्वेश्चन आता ही आता है असेसमेंट ऑफ ट्रस्ट से, जो कि एग्जिट टैक्स के प्रोविजंस है, जो एग्जिट टैक्स के प्रोविजंस हैं ये इसमें आ गए, ठीक है। ये असेसमेंट ऑफ ट्रस्ट के बारे में आ गया। उसके अलावा आपके ये आ गया, सपोज कीजिए ये किसके रिलेटेड आ गया, डबल टैक्सेशन रिलीफ से, 14 नंबर का ये हो गया, आता ही है 91 से डबल टैक्सेशन रिलीफ का, मोस्ट प्रोबेबली बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता ही रहता है। फिर आता है हमारे पास क्या, जैसे ये आ गया यहाँ पे TDS से रिलेटेड आ गया क्वेश्चन, TDS से रिलेटेड एक क्वेश्चन है ये आ गया। फिर हमारे एक क्वेश्चन यहाँ पे आ गया कि भाई TCS से रिलेटेड, TDS TCS एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, TDS TCS आ गया। फिर NR टैक्सेशन का एक आ गया 6 नंबर का, ये NR टैक्सेशन का 6 और 4 10 और ये 4 14, इस तरह से पैटर्न बना रखा है, ठीक है ना। NR टैक्सेशन का आ गया। उसके बाद ये केस सिनेरियो बेस्ड आ गया, केस लॉ बेस्ड, केस लॉ बेस्ड इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन है, तो केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन एक ये आ गया एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। फिर आ गया हमारे पास केस लॉ बेस्ड आ गया, ये देखिए 1 4 नंबर का ये, या तो ये कर लो या फिर 4 नंबर का ये कर लो, दो केस में से एक कोई केस कर लो आप, और ऐसी जगह लिखा हुआ रहता है ये और, ठीक है। ये 4 नंबर का आपके एक और केस का आ गया, और ये 6 नंबर का क्वेश्चन आ गया, ये इक्वलाइजेशन लेवी से रिलेटेड आ गया, ये NR का आ गया। तो इक्वलाइजेशन लेवी हो गया, ये NR वाला टॉपिक NR है, इक्वलाइजेशन लेवी है, और आपके डबल टैक्सेशन रिलीफ है एडवांस रूलिंग से, तो एवरग्रीन टॉपिक, इनको तो अच्छे से करके जाना ही जाना है। फिर आपके ये डिडक्शन का आ गया एक चैप्टर 6 ए का, ये प्रोविजनल अटैचमेंट का इस तरह से मिसलेनियस प्रोविजंस में से आ गया प्रोविजनल अटैचमेंट, और यहाँ पे वो जो लास्ट जो क्वेश्चन है आपके BEPS और से यहाँ से BEPS से आ गया, उसके इंडियन इनकम टैक्स के अंदर क्या दे रखा है वो आ गए, फिर ये DTA से रिलेटेड आ गया, लाइक वाइज थ्योरेटिकल एक क्वेश्चन आ गया। ये आपकी ऑप्शन पे रहता है कि आप कैसे कर रहे हो, ठीक है। तो फंडामेंटली पेपर मोटा मोटी पूरा प्रैक्टिकल आता है, और आपको डायरेक्ट टैक्सेस और इंटरनेशनल टैक्सेशन में, इंटरनेशनल टैक्सेशन को भी स्ट्रॉन्ग करना है, जो पहले वाले जो अपने टॉपिक्स हैं इंटरनेशनल टैक्सेशन में
वो आपको क्या है, स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है ना। ये आपको, ये जो टॉपिक्स हैं ये काफ़ी आपको क्या है, स्ट्रॉन्ग करना है, ये वाले, ये टॉपिक्स, स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू NR, डबल टैक्सेशन, ट्रांसफ़र प्राइसिंग एंड एंटी अवॉइडेंस, उसके अलावा जो आपके एडवांस रूलिंग्स हैं और इक्वलाइजेशन लेवी, ये जो हैं ये प्रैक्टिकल बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपने अगर इन सबको सही से कर लिया तो डेफिनेटली, अगर और आपके इंडिपेंडेंट MCQs एंड केस सिनेरियो बेस्ड MCQs कर लिया, तो हम इस सब्जेक्ट को भी अच्छी से पास कर सकते हैं एग्ज़ाम के अंदर। तो ये तो बेसिक सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन के बारे में हमने डिस्कस किया। अब इसके लिए क्या है, आपको करना ऐसा है कि जैसे जैसे अपन लेक्चर्स चलाएंगे वैसे वैसे आप अपनी एक नोटबुक बनाइए, और जो जो चीज़ें मैंने यहाँ लिखता जाता हूँ वो आप अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। उसके अलावा जो क्वेश्चंस अपने सारे बुक के तो अपन यहाँ कवर करते ही करते हैं, और साथ साथ जो आपके पास एग्ज़ाम क्वेश्चंस है उसकी भी कवरेज होती है। तो आप कंपाइलर भी साथ साथ रखिए। जैसे पहला चैप्टर सपोज़ कीजिए PGBP अपन ने पूरा किया, तो PGBP से स्टेप टॉपिक जो चल रहे हैं तो चल ही रहे, उनके करते जाइएगा। जो अपने वहाँ कंपाइलर के अंदर भी जो पास एग्ज़ाम क्वेश्चंस हैं उनको टॉपिक वाइज ब्रेक कर रखा है जैसे जैसे इंस्टीट्यूट के आए हुए हैं, तो वो चीज़ें आप कंप्लीट करते हुए चलिए अपनी नोटबुक के अंदर। तो जब आप हाथ से लिखेंगे, सुनना बहुत आसान होता है, आप हाथ से लिखेंगे तो अपने आप आपकी ये पूरी क्लियर पिक्चर बनती जाएगी, और तुरंत जब आप वापस से रिवाइज करोगे एकदम रिविज़न में ईजी रहता है। पर आप लिख के नहीं सुन के ही करोगे, तो मास्टर तो बहुत ईजीली बोल सकता है, सुन सकते हो आप आराम से, परंतु लिख के नहीं करोगे तो याददाश्त बट नेचुरल कमज़ोर होगी। तो लिख लिख के करना सीखो, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर फाइनली जो आप लिखते हो उसी के ही क्या आते हैं, नंबर आते हैं। समझा तो बहुत से बहुत अच्छी से सकते हैं, पर जब लिखने की बारी आती है तो पहले से ही लिखा हुआ रहता है उनके। तो कहने का मतलब ये है कि आप लिखिए, करिए, अच्छी से लिख के करिए, तब आपके क्या है, यू कैन ईजिली स्कोर वॉट गुड मार्क्स, खुद का कॉन्फिडेंस ही आपका क्या हो जाएगा, बूस्टअप होगा। तो ये अभी सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन के बारे में अपन ने क्या है, डिस्कशन किया है।